नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कैमूर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला है। बड़ी खबर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बीजेपी पर बोला हमला। देश को बर्बाद करना भाजपा का मकसद, जमा खान ने बयान दिया। बीजेपी को कुर्सी चाहिए फिर सब ठीक हो जाएगा, ये बयान जमा खान ने दिया। सही काम करने वालों को बीजेपी नहीं करने देगी काम। बड़ी खबर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा देश को बर्बाद करना भाजपा का मकसद है। बीजेपी को कुर्सी चाहिए फिर सब ठीक हो जाएगा, जमा खान ने बयान दिया है। सही काम करने वाले को बीजेपी काम नहीं करने देती है। कैमूर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला है। थोड़ी देर भाजपा को आप कहे नाम दे रहे हैं भाई, उनको कुर्सी चाहिए सब ठीक हो जाएगा। आज कुर्सी हम दे देंगे कोई नाराज रहेगा? इससे पहले कोई नाराजगी समझ में आ रहा था तो जहाँ उनका नहीं उसका लोग परेशान किया। ये कोई भाजपा के नाम में लेना बेकार आप लोगों को है। तो बीजेपी का मकसद है देश को बर्बाद करना, जो सही काम करता है उसको काम लोग करने नहीं देगा, ये सही बात है। छोड़िए, उनकी बात नहीं करूंगा। बड़ी खबर, अमरोहा में जिले में डबल मर्डर से फैली सनसनी। इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। माँ और बेटी की बेरहमी से की गई हत्या। माँ और बेटी की बेरहमी से हुई हत्या, डबल मर्डर से जिले में फैली सनसनी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। थाना गजरौला क्षेत्र के कंखाठेर गांव का मामला है जहां एक साथ माँ और बेटी की हत्या की और इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बड़ी खबर, मां और बेटी की बेरहमी से की गई हत्या। थाना गजरौला क्षेत्र के कंखाठेर गांव का मामला है जहां मां और बेटी की एक साथ हत्या की गई है और इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मां और बेटी की बेरहमी से हत्या। अमरोहा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। माँ और बेटी की एक साथ हत्या की गई है, ये तस्वीर है जहाँ लोग परिजन मातम में डूबे हुए हैं और मामले की जांच पड़ताल करने पुलिस भी पहुंची है।